और कितना दूर जाना पड़ेगा दोस्त? बस थोड़ी दूर। दोस्त, आपने जो जगह खरीदी है उसका पट्टा है क्या? ये कैसा सवाल है माइकल, पट्टा के बिना कोई जगह खरीदेगा क्या? माइकल, क्या हमारा बहुत दिनों का सपना है खुद का घर खरीदना। भले ही सुविधाएं कम होंगी पर वहाँ गांव का माहौल और शांति, बहुत अच्छा वातावरण होगा। ये सब शहर में मिलना बहुत मुश्किल है, जो मुझे पसंद है। हो गया माइकल? अरे दोस्त, लॉरी की स्पीड तो देखो। हाँ। जरा सा बच गए। चलो, कुछ नहीं हुआ ना। हाँ। अब गाड़ी निकालो। लगता है इस जगह पे हाथी घूमते रहते हैं। नहीं। ओ, 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 हाथी। माइकल अंकल, आप डर गए ना? माइकल अंकल डर गए। ये मोटू ना बहुत डरपोक है। अरे बहुत हिम्मत है इसमें। अब क्या हो गया? लगता है कोई इधर से क्रॉस करके गया भी। हाँ पिताजी, मैंने भी देखा था। अरे कोई कुत्ता या जानवर होगा। नहीं दोस्त, मैंने कुछ और ही देखा था। जंगल में तो ये सब मिलता ही रहेगा। बेकार में डरो मत, चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ाओ। क्या हुआ माइकल? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। हो जाएगी स्टार्ट। हे भगवान, गाड़ी तो सही थी, अब क्या हो गया? अरे बहुत देर से गाड़ी चल रही है, हो सकता है इंजन गर्म हो गया हो। नहीं दोस्त, ये रोड की समस्या है, तुमने देखा था ना। तुम उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हो, पहले गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करो। अरे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या करें? तो नीचे उतर कर देखो ना। अरे क्या हो गया? ये एक बहुत पुराना खंडहर घर है। यहाँ 20 साल पहले 6 मर्डर हुए थे एक ही रात में। यहाँ पर रहने वाला जोस मानसिक रूप से बीमार था। उस जोस ने ग्रेसी नाम की लड़की से शादी करके यहाँ अपना परिवार बसाया था। ग्रेसी का किसी से बात करना जोस को बिल्कुल पसंद नहीं था। जोस ने जिस दिन देखा कि ग्रेसी किसी से बात कर रही है, उस दिन ग्रेसी को बहुत मार पड़ी। बेचारी ग्रेसी की जिंदगी नर्क बन गई थी। ग्रेसी को पता चला कि अगर जोस बराबर दवा लेगा, उसका इलाज होगा, तो वो ठीक हो जाएगा। इसलिए ग्रेसी दूध में दवा मिलाकर जोस को देने लगी। शांति से 6 साल बीत गया, लेकिन एक दिन ग्रेसी जब दूध में दवा मिला रही थी तो जोस ने देख लिया। जोस ने ग्रेसी को मारा कि तुमने मुझे मारने के लिए दूध में जहर मिलाया है, ये कहकर उसे मारने लगा। तूने मुझे मारने के लिए दूध में जहर मिलाया, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
गुस्से में आकर जोस ने एक लकड़ी उठाकर ग्रेसी के सिर पर दे मारा। ग्रेसी की जान निकल गई। जोश के माँ बाप ने उसे रोकने के लिए बहुत कोशिश की तो जोश ने उसी लकड़ी से उन्हें भी मार दिया। उसने दोनों बच्चों को क्रोध में आकर में लगा दिया और जोस ने पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। तब से इस खंडहर घर और इसके आस पास कोई नहीं आता है। अभी भी वहां से एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। बेटी सुनो, सब सामान सही जगह पर लगा दो। हाँ? अभी तक सोई नहीं बेटी? नहीं तो चलो खाना लगाओ। माँ मेरी स्लेट देखी क्या आपने? हाँ, आधी रात में स्लेट ढूंढेगी, जाकर सो जा। जा सो जा, नहीं तो एक लगाऊंगी। बहुत रात हो गई है, चलो सो जा। सो जाती हूँ। हाँ, सोऊंगी। आप नहाएंगे क्या? अब क्या नहाऊं, बहुत देर हो गई है। बेटी की एडमिशन का क्या हुआ? कल सुबह जाकर देखूंगा। हाँ, बहुत बड़ा कॉलेज है वो। हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ा कॉलेज है। शहर में ना रहना पड़े इसीलिए तो ये घर लिया है। हाँ। कल वाली मूवी देखी थी ना तुमने? हाँ, अभी कैंटीन जाएंगे। अरे यार, बहुत अच्छी थी वो। मैं तो तुमको बुला रहा था। दिलीप सर कहाँ है? अंदर। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आओ बैठो। सर, मैंने अपनी बेटी के एडमिशन के बारे में आपसे फोन पे बात की थी। यस। वैसे क्लास शुरू करके एक दिन हो गया है। हाँ। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा। आज के बाद आगे से देर मत करना। बिल्कुल नहीं, कल ही अपनी बेटी को लेकर यहाँ एडमिशन करा ठीक देना। है सर। आपकी बेटी का नाम क्या है? दुर्गा। दुर्गा वामन। वामनन आपका नाम है ना? हाँ सर, वामन। शाम को क्या कर रहे? अकेले? जीजू, स्टीफन। यस सर। कम इन। अगर तुम लोग शांति से ना रहे तो मैं तुम्हारे माँ बाप को यहाँ पर बुलाकर उसके बाद में क्लास में अलाउ करूंगा। मेरी बात आई समझ में? समझे? यस सर। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल वार्निंग। लुक, अगर आप लोग क्लास में पंक्चुअल ना रहे तो बाहर निकाल दूंगा। यस सर। यस सर। क्लास में जाओ। यस यस सर। अब क्या ही बताएं, पहले तो लाठियों की मार से ही लड़के सही हो जाया करते थे, पर अब नहीं कर सकते। अगर मार भी दें जी तो लोगों को जवाब देते देते परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जमाना बदल चुका है। खैर छोड़ो इन बातों को। वैसे आप क्या करते हो अमन जी? मैं यहाँ लोटस होम स्टे में मैनेजर हूँ। वो पुराना ब्रिटिश? हाँ हाँ, सही कहा। उसका ओनर कौन है? वो मैथ्यू सर है, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं ही देखभाल करता हूँ। ठीक है ठीक है। मुझे यहाँ आए हुए बहुत साल हो गए, लेकिन परिवार को अभी लेकर आया हूँ। अपनी बेटी की पढ़ाई करा के एक अच्छे लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। वो पढ़ने में बहुत अच्छी है सर, तुरंत सब कुछ समझ लेती है। वेरी गुड वेरी गुड। फीस के बारे में जानते हो तो देर मत करना। हाँ जी। कल अपनी बेटी को यहाँ लाकर उसका एडमिशन करा देना। जी, थैंक यू सर। ओके ओके। सुनो, क्या हुआ? रुको रुको। लो, मिल गया बकरा। तुमने क्या काम कर दिया? क्या? मैंने कहा था वो जगह मत खरीदना, इससे अच्छी जगह दिखाता हूँ मैं। फिर भी
अरे थोड़ा पैसा देना पड़ेगा बस, और फिर भी तुमने खरीद लिया। हाँ वो हंसते क्यों हो, तुमने रजिस्ट्री करवा ली और मुझे बताया भी नहीं। हाँ अरे उस जगह पे दिन में नहीं रह सकते हो और तुम परिवार के साथ रहने लगे, अब बात करके कोई फायदा नहीं। हाँ। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, समझा। चलो हम उन सब बातों पर मिट्टी डालते हैं। हाँ। मुझे मेरा ब्रोकरेज नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारा भला चाहता था। हाँ, हाँ। साजी वैसे मुझे जगह बेचने की कोई इच्छा नहीं है। अरे तुम मुझे गलत समझ रहे हो, सुनो वहाँ पर भूत प्रेत घूमते रहते हैं, उस खंडहर के बारे में छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। सुनो साजी, तुम लोगों का जगह की कीमत करने का प्लान मेरे साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं वहाँ 5-6 साल रह चुका हूँ, आज तक मैंने कोई भूत प्रेत वगैरह नहीं देखा। अपनी ये सब चालें किसी और के साथ चलना, मुझे पता है ये सब पैंतरे तुम लोग भाव कम करने के लिए करते हो, मुझे इन बातों पर ध्यान नहीं देना। ठीक है ठीक है ठीक है, देखेंगे। तुम आओगे मेरे पास, आओगे ना, आओगे ना। हाँ हाँ मिलेंगे मिलेंगे। हाँ यहाँ तुम मेरे से ही मिलोगे, किसी और से मत मिलना, समझे। अब बहुत जल्दी तुझे सबक मिल जाएगा। चला गया। अरे क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं? काम तो हो गया, पर नींबू पानी कहाँ है? अरे मैंने तो गिलास साफ कर दिया। बहुत ही अच्छा काम किया धोकर। और एक गिलास दूं क्या? आप नहीं पियोगे ये सोच के मैंने गिलास साफ कर दिया था। हाँ बनाओ ना, उसके भी पैसे लगेंगे। हाँ ठीक है, एक को दो मत लिखना। Thank you.
अरे मानिक, हाँ साहब मोटर चालू कर दी है। हाँ ओवरफ्लो होने से पहले बंद कर देना। ठीक है साहब। ये देखो माँ। क्या है ये? जब देखो तो पैर हिलाती रहती है। माँ कुत्ता भौंक रहा है। अरे ये क्या हुआ? गाड़ी आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। पिताजी पिताजी क्या हुआ? पिताजी मैं गाड़ी से गिर गया। अरे आपको तो चोट लग गई है, और कहीं चोट लगी क्या? घुटने में थोड़ी सी चोट लगी। अरे रे, आपके घुटने से खून बह रहा है। क्या हुआ? क्या है, हुआ क्या है बताइए ना। जाओ बेटे मलहम लेके आओ। अरे कुछ नहीं है। अरे मुझे देखने दो ना। क्या देख रही हो? अरे आप मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। चलिए मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। चलिए। सुधा। ओहो माँ, पिताजी को कुछ नहीं हुआ तो फिर ये क्या है? आप हाथ मत धोइए पिताजी। मैं अभी आती हूँ। हे भगवान, इनको कितनी लग गई है। यहाँ पर धीरे लगाती हूँ। ठीक है। पिताजी बस बस हो गया। हाँ हो गया, रहने दो। माँ माँ
परेशान हो गया हूँ यहाँ पे गाँव में। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ मैं पहुँच रहा हूँ। ठीक है बस मैं यहाँ से निकल ही रहा हूँ सर। हाँ नहीं तुम चिंता मत करो, मैं बस यहाँ से निकलने ही वाला हूँ। पहुँचते हैं मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है रिपोर्ट दर्ज। हाँ एक कंप्लेंट लिखवानी थी। हाँ अंदर आ जाओ। नाम क्या है? वामन सर। वामन बैठो। लिखो। पहले मेरी बात सुन लीजिए सर। मेरा घर सुमित्री रोड पर पड़ता है सर। जब मैं घर जाता हूँ तो रास्ते में एक बहुत बड़ा घर पड़ता है। कल रात को जब मैं उस घर के पास से गुजर रहा था तो वहाँ से लड़की के रोने की आवाज सुनाई थी। अंदर जाकर देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया सर, लेकिन मुझे यकीन है कि वहाँ कोई ना कोई है। उसी के बारे में बताने के लिए आया हूँ सर। सुमित्री रोड के अंदर है ना? हाँ सर। एंथनी, जो ये बता रहे हैं क्या वही जगह है जहाँ पर कोई रहता नहीं? वो खंडहर। हाँ खंडहर है, लेकिन दिक्कत क्या है? कल रात को वहाँ से एक औरत की आवाज़ सुनाई दी है, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, आप इतनी रात को वहाँ पर गए क्यों थे? घर जाने के लिए वहाँ से गुजरना पड़ता है। ओह वही एक रास्ता है। हाँ हम इंक्वायरी करेंगे। आप जो एंथनी टाइप हो गया? हो गया सर। मुझे देखने की जरूरत नहीं है ना, कल जाके दे सकते हैं ना? नमस्ते। मैं दे दूंगा सर। ये कौन है? सर एक कंप्लेंट देने आया था। क्या कंप्लेंट है? इसने कल रात को अपने घर जाते समय एक औरत की आवाज़ सुनी थी सर, लेकिन जाके देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था सर। कौन सी जगह? सुमित्री रोड। एंथनी तुम जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ सर। दोपहर में खाना खाने के बाद वहीं चलेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। कोई बात नहीं, कैसे करेंगे? मैं कल ना तेरे घर पर आती हूँ। ओके, हम मिलके कंप्लीट करेंगे। ओके, अरे तेरे पास भी है? पिताजी लाए। सेम कलर है, पिंक है। तुमने तो नाम भी रख दिया। हे पिंकी, रोजी को हाय कहो। हाय। वामन की बेटी से खेलेगी। जीजू, जीजू आप चुपचाप नहीं रह सकते क्या? चल वामन की बेटी। जीजू। ए, चलो मेरे साथ। ए, प्लीज 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 छोड़ो मेरा हाथ। मत झगड़ा कर। अरे जीजू, मैंने तुझे कई बार कहा था कि उससे पंगा मत लेना। अरे मैंने तो उससे ऐसे ही मजाक किया था। अपना हाथ दिखा। किस लिए? अरे दिखा ना। तुझे पसंद है ना? कल सुबह मिलेगी। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये यहाँ पर कैसे आ गए? अरे बाप रे, सर ने देख लिया, अब क्या करेंगे? देखो ना वो दोनों आ रहे हैं। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं सर, सिसी को नई अंगूठी की डिजाइन दिखा रहा था। पूछ लीजिए। ये उम्र पार करके ही यहाँ पर खड़ा हूँ। अगर आइंदा तुम दोनों को साथ में देखा ना तो छोड़ूंगा नहीं। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है, समझे? यस सर। जाओ रुको। तुम दोनों अब भी एक साथ कहाँ जा रहे हो? तो तुम उधर जाओ और तुम इधर। नाक में दम कर रखा है। सर मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ सर? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। परेशान लग रहे हैं सर? कुछ नहीं, कल रात को गाड़ी से गिर गया था। टिटनेस का इंजेक्शन लेना होगा। मैं जा रहा हूँ, तुम संभाल लो, बाद में बंद कर देना। आ
एंथोनी सर, इस घर का नाम खंडर कैसे पड़ गया? ये खंडर हो गया सर, इसीलिए गांव वालों ने डर के मारे इसका ऐसा नाम रख दिया होगा। तू भी बहुत दिमाग लगाते हैं शरीफ, तुम भी जरा इससे सीखो। नमस्ते सर। अभी टाइम मिला है तुम्हें? अच्छा, आवाज कहाँ से आ रही थी जरा बताओ। उस तरफ से सर। यहाँ से? हाँ। तो आज ये आवाज की समस्या हम दूर ही कर देते हैं, ठीक है? चलो। मकान पुराना है लेकिन लकड़ियां बहुत मजबूत हैं इसके, देखते हैं। अंदर जाने का रास्ता कहां से होगा? बहुत मजबूत दरवाजा था। एकदम खंडहर हो गया है। यहाँ पर कोई आता भी होगा क्या? यहाँ कोई आएगा ऐसा लगता नहीं है सर। क्यों? यहाँ पर भूत हैं ऐसा बोलते हैं सब। मुझे भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं है भाई, मैं नहीं मानता ये चीजें। घर खाली हो तो गांव वाले बहुत सारी कहानियां बना देते हैं, उनके मन में डर होता है ना, इसीलिए। वामन को भूत प्रेत में विश्वास जरूर नहीं सर। देखो कैसे हम लोग डर जाते हैं। तुम लोग जरा अंदर जाकर के देखो तो। सर जाओ, जाओ शरीफ, जाओ अंदर जाओ। जी सर। अच्छा हा? ये जगह गांजा पीने वालों के लिए बहुत सही है ना? सर मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ पास में रहने के लिए आया हूँ। कल रात को अचानक चिल्लाने की आवाज सुनाई दी सर। इतना खंडहर बंगलो तो मैंने आज तक नहीं देखा था। शरीफ सर, यहाँ पे प्रेत नहीं है ना? नहीं सर। देखा, हमारे आने से भाग गया होगा। अच्छा सुनो सर, घर के अंदर चल के कहीं शराब की बॉटल वॉटल ढूंढे क्या? हाँ चलेंगे सर। इस घर में कुछ ना कुछ पंगा जरूर है। सुनो वामन, किसी संदिग्ध आदमी को यहाँ आसपास देखना तो मुझे जरूर बताना। हाँ, ठीक है। और सुनो, तुम्हारा यहाँ घर है ना? हाँ, सर। तो जरा नजर रखना इस पे। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। एक काम करो, यहाँ से बाहर चलते, नहीं तो पूरा बंगला ही गिर जाएगा लग रहा है। चलो। टीटी का इंजेक्शन लिया क्या? हाँ। पता नहीं पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ आपको? पुलिस वालों ने ऐसी बात क्यों कही? मैंने साफ साफ आवाज सुनी थी। बुखार है आपको? नहीं, इंजेक्शन लिया है ना। तुम थोड़ा गर्म पानी लेकर आओ। मम्मी मैं दोपहर में आऊंगी। पिताजी के आने के बाद जाना, वो अभी आने वाले हैं। कितना दूर है माँ, मैं चल के चली जाऊंगी, पापा का वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जाओ, टाटा।
कितनी देर से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम्हें किसने कहा था जल्दी आने के लिए? मैं तो बिल्कुल टाइम पर आई हूँ। देखो अब तुमसे मिलने के लिए वेट तो करना ही पड़ेगा। सिंसी पहले तुम जाओ, पीछे से मैं आता हूँ। सिंसी सिंसी क्या यार कहाँ गई? सिंसी क्या यार तुमने तो डरा दिया। मैं सिंसी नहीं हूँ, मैं भूत हूँ। चलो मैंने वहां पर एक बहुत अच्छी जगह देखी है, चलो। ओके। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जगह कैसी है? बहुत अच्छी है। एक किस दो ना? नहीं। एक 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 देखो तुम मेरी प्यारी सिंसी हो ना, एक किस दे दो ना प्लीज प्लीज एक प्लीज। देख गया हूं। सर कोई अर्जेंट मैसेज आया सर। ब्रावो 23 ब्रावो 23 इस एरिया में रहे सारे स्टेशन फ्लाइंग स्क्वाड मोबाइल में नोट कीजिए। एक मिसिंग इंफॉर्मेशन, चंद्रकम पारा सीरियल थॉमस की मेल सिंह आपके पास है।
आज सुबह ही गई थी, अपनी सहेली के साथ पढ़ने के लिए जा रही हूँ बोल के वो यहाँ से चली गई थी। मैं वर्कशॉप से आया हूँ और थॉमस भाई पुलिस स्टेशन गए हैं, पता चलेगा। मेरी बेटी को जीजू पर शक है। तो मुझे क्यों छोड़ के चली गई? ठीक है रखो। हाँ भाई, कोई खबर मिली क्या? अभी तक तो नहीं मिली है, क्या करें, ये बच्चे ही ऐसे हो गए हैं। भाग जाए तो भी चलेगा, लेकिन एक लेटर लिख के जाना चाहिए। इस जीजू ने भी घर में कुछ भी नहीं बताया, ये दुनिया में जाके कैसे जिएंगे? अगर हनीमून मना के आए तो मैं उन दोनों को हाथ पैर तोड़ दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उन दोनों को। पता नहीं भागे हैं या नहीं। भाई आपकी एक बेटी है ना? अंदर जाकर पढ़ो बेटी। क्या हुआ पिताजी? आ गए? कुछ खबर मिली क्या? बताओ ना। वो लोग पूछताछ कर रहे हैं। दुर्गा, अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो बता दो बेटी। क्या बोल रहे हैं पिताजी? हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे, हमें बस तुम्हारी खुशी चाहिए। सुनो मेरी बात याद रखना, तुम लोग एक दूसरे की शक्ल देखते बैठे रहो, लेकिन अगर जल्दी अंदर नहीं आए ना तो खाना नहीं मिलेगा। जल्दी आना तुम लोग, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। जल्दी आना मेरे प्यारे पिताजी। क्या हुआ जी? बाहर कुत्ता भौंक रहा था। किसी जानवर को देखकर भौंक रहा होगा, आओ सो जाओ। बिल्लू, बिल्लू, क्या हुआ? सांप काट लिया शायद। फावड़ा लेकर आओ। हाँ, मैं लाती हूँ।
पिताजी, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। हाँ, बाहर जाओगी तो लोग इसके बारे में सवाल पूछेंगे। बेटी, मैं मानिक से कहूंगा कि वो एक कुत्ता लेकर आ जाए। अभी नहीं पिताजी, कुछ दिन बाद देखेंगे। सर, मुझे स्टेला से बात किए हुए एक महीना हो गया सर। मुझे पता चला कि इसकी किसी से शादी तय हो गई है, तो इसीलिए मैं इसकी फोटोज़ को नेट में डालूंगा। ऐसा कहा था पर डाला नहीं। शरीफ, इस लड़के ने अभी तक डाला नहीं। डालूंगा कहा था, लेकिन अभी तक डाला नहीं ना। सर, मैंने इसे कोई फोटोज़ नहीं दिया है, लेकिन इसने मेरे फ़ोन से इसने फोटोज़ खुद से लिए हैं सर। सर, वो फोटोज आप डिलीट करवा दीजिए प्लीज। और इससे मुझे आगे जाके कोई परेशानी नहीं होगी, ये आप लिखवा के दे दीजिए मुझे प्लीज सर। अगर ये ऐसा करेगा तो कंप्लेंट नहीं करूंगी मैं। ठीक है, तुम जरा बाहर वेट करो, मैं इससे बात करता हूँ। हाँ, क्या कंप्लेंट है तुम्हारी, बताइए मुझे। रोज रोज आते हैं। अपना फोन इधर दो। अपनी शक्ल देखा इसमें। B23
शरीफ सर, जरा इनकी विस्तार से जन्म कुंडली निकलवा दो। ठीक है सर। क्यों, कब से तुम इस लड़की से प्यार कर रहे हो? 5 साल हो गए सर। 5 साल तो बहुत हो गए भाई। तो तुम जरा पहले एक काम करो, ये जो फोटोज है ना, इसको सबसे पहले मोबाइल से डिलीट कर दो। और सुनो, ये बैकअप वैकअप के चक्कर में पढ़ना नहीं तुम। नहीं सर, अब मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। है, देखने में तो बहुत सीधे लग रहे हो, गाय की तरह। शकल से गाय लेकिन दिमाग से लोमड़ी हो तुम गुरु। एक काम करो, जरा कंट्रोल में रहा करो, थोड़ा इंतजार कर लो, अच्छी लड़की मिलेगी। ठीक है। तुम स्टेला हो क्यों? हाँ सर। हाँ, ये लड़का अब तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। गलती इसकी है, तुमने बिल्कुल सही किया। ये लड़का ठीक नहीं लग रहा मुझे। शुक्रिया मेरी परेशानी को समझने के लिए। क्या है कि आदमी को देखकर एक बार में समझ जाता हूँ। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, लेटर वहां दे दिया क्या? मैंने दे दिया था सर, लेकिन फोन स्विच ऑफ हो गया था। ये क्या रबर सीट है क्या? बहुत सारे पड़े हैं। मार्केट में देने के लिए। अच्छा, उधर मत देख, कंप्लेन करने आई है। वो देखिए सर, वामन आ रहा है, फिर कोई खबर लेकर आ रहा होगा। नमस्ते सर। नमस्ते, अब क्या हुआ? सर वो खंडर है ना, वो खंडर। अरे भाई आराम से बोलो, खंडर से आवाज फिर आई थी क्या? नहीं सर, खंडर में एक बैग और जूती है। जरा इधर आओ तो। तुम वहां पर किस लिए गए थे? मुझे कुछ डाउट था इसलिए जाके देखा सर, आपने कहा था ना कुछ दिखे तो बताना। अरे नजर रखने के लिए कहा था, अंदर जाकर के देखने के लिए नहीं कहा था मैंने। अच्छा ये बताओ कि वो चप्पल और बैग कहाँ है? वहीं पर है सर, मैंने हाथ नहीं लगाया। तो अभी क्या करना है सर? एक काम करो, तुम अभी जा करके वहाँ देखो। ठीक है सर। देखते हैं कि ये सच बोल रहा है कि नहीं। अरे सर मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ बानर, वामन सर। अरे हाँ वही यार, अगर मुझे पता चला कि तुम दोबारा उस घर में गए हो तो तुम्हारे ऊपर कोई केस लगा के अंदर करा दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। हाँ। दोबारा देखना नहीं बानर कहीं के। वामन, एक नंबर का पागल है ये। आपको अब पता चला सर? अरे एक बार देखकर मैं किसी को भी समझ जाता हूँ, मेरी आंखें धोखा नहीं खाती। चलो जाओ अपना काम करो। ओके सर। अरे तुम अभी तक गए? सर वो पेपर्स। हाँ मैं लिख के देता हूँ। वामन कहाँ पर है? क्यों सर? वामन अंदर है क्या? नहीं पिताजी, काम पे गए। माँ को बुलाऊं? नहीं मैं उससे मिलने आया हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या सर? नहीं कुछ नहीं, मैं आया था बता देना। सर वो मेरी कॉलेज में एक लड़की खो गई, कोई खबर? नहीं अभी पूछताछ चल रही है। मुझे एक टॉर्च चाहिए। कैसी टॉर्च? वो पावर वाली टॉर्च। पावर वाला दो, इसकी लाइट बहुत ब्राइट है, कीमत 2000 रुपए है। ये बहुत वजन है। ये ठीक है। हेलो वामनन। हाँ साजी, कैसे हो? ठीक तो हो ना? हाँ सब ठीक चल रहा है। और क्या चल रहा है? हाँ चल रहा है सब। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या बात करनी है? नहीं नहीं
सिर्फ जगह की बात नहीं है। हाँ हाँ? नहीं 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 नहीं, नहीं। अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी है तो मेरे पास बहुत से लड़के हैं और दहेज की भी जरूरत नहीं। अभी तो वो पढ़ाई कर रही है सर। हाँ तो शादी के बाद भी तो पढ़ सकती है ना। शादी के बाद कैसी पढ़ाई सर? हाँ। अभी मैं उसकी शादी नहीं करना चाहता। साजी आप किसी और को ढूंढ लो, और लड़कियां मिल जाएंगी। ये तो नहीं फंस रहा है। शादी करना तो बताना, दहेज की चिंता मत करना। क्या है? हाँ? फंसती रहती है। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ के। सुनो। जी सर। तुम्हारी जान मुझे ही बचानी पड़ेगी, केरला सरकार नहीं बचाने आएगी। अच्छा तुमने ये देखा क्या? देखो, देखा ना, परसों एक गाड़ी से टकराने से उसकी मौत हो गई, सर पे चोट लगा, बाकी कुछ नहीं। जी सर। क्यों, समझ में आ रहा है? जी सर, आज के बाद बिना हेलमेट के नहीं चलाऊंगा। हाँ, फायदा तुम्हें ही होगा। चलो जाओ, निकलो। जी। वामन, इधर आओ। सर, वामन। जी सर। अरे मैंने तुमसे रूडली बात किया, बुरा मत मानना भाई। हैं? बुरा तो नहीं मान गए? कोई बात नहीं सर, अभी वहाँ पे केस चल रहा है इसलिए वहाँ जाना ठीक नहीं है। पुलिस जा सकती है लेकिन सिविलियंस को नहीं। अच्छा सुनो, मुझे एक खास बात करनी है। ये मेरी पत्नी का क्लिनिक है, वो एक साइकेट्रिस्ट है, समय निकाल कर जरा उससे मिल लेना, छोटी मोटी समस्या ठीक कर देती है वो। ठीक है ना, मिल लेना। सर मुझे तो, अरे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो क्या है ना कि प्रॉब्लम जो है उस खंडहर वाले घर में है। अब सुनसान घर है तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है वहाँ पे। अब जैसे तुमने आवाज ही सुनी थी, हम सब ने इंक्वायरी किया, कुछ नहीं मिला ना। तुम्हें बताओ कुछ मिला? अब तुम बताओ, तुमने जूती देखी वहाँ? जूती के साथ बैग भी था सर। हरिदास। हाँ सर। जरा याद रखना, वामन ने क्या देखा अच्छी तरह से याद रखना। हाँ। मेरे आदमी ने जाकर देखा, ना जूती थी और ना ही बैग था वहाँ पर, है ना? अच्छी तरह देखना चाहिए था सर, वो वहाँ कोने में था। वामन झूठ नहीं बोलेगा ये तो मैं जानता हूँ, और ना ही मुझे वामन से झूठ बोलने की जरूरत है। क्यों? तो फिर तुमने जो कहा उसमें कुछ तो प्रॉब्लम लग रही है। अच्छा वामन तुम जाओ यहाँ से। हाँ। दोबारा खंडर की कोई चिंता मत करना, तुम सिर्फ अपने घर की चिंता करो, खंडर को भूल जाओ और अपने घर में जाकर के खुशी से जियो। ठीक है। ठीक है। गाड़ी गाड़ी। हाँ? गाड़ी भूल गए। ओह सॉरी सर, थैंक यू सर। वामन। हाँ? दोबारा हेलमेट के बिना देखा ना तो फाइन मार दूंगा। ओके सर। हाँ। हाँ। पागल ही नहीं बल्कि एक नंबर का बेवकूफ भी है ये वामन, कसम से। तुम्हें क्या लगता है? क्या बेकार में सब कुछ हो रहा है। अरे किसी को बोल के कोई फायदा नहीं है, मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उस खंडहर में कोई ना कोई राज तो छुपा है। कौन होगा इसके पीछे? हाँ, अपनी बेटी को मैं अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा, कुछ गड़बड़ जरूर है। सब हा? सब ठीक हो ना? जाओ जाके अपना काम करो, यहां टेंशन से मरा जा रहा हूं, और ये पूछ रहा है कि ठीक हूं कि नहीं। पिताजी रुकिए। क्या हुआ बेटी? पिताजी वो आज पुलिस आई थी आपसे मिलने के लिए। क्यों आई थी? मैं नहीं जानती, आपके बारे में पूछ रहे थे तो मैंने बोल दिया कि आप काम पे गए हो। और क्या कहा? वो मुझे घूर के देख के गाड़ी घुमा लिया और चला गया, लेकिन उसकी गाड़ी में। गाड़ी में क्या?
सुधा, हमारी बेटी जानती है पुलिस वालों के बस का नहीं है, ये वही है एंथोनी, वो इसी गांव में रहता है और वही ये सब कर सकता है, सुन रही हो? मैं अच्छी तरह जानता हूं उसका अगला टारगेट मेरी बेटी है। कुछ नहीं, ज्यादा सोचिए मत आप, भगवान का नाम लेकर सो जाइए, सब अच्छा होगा। हे भगवान, चिंता मत कीजिए, वमन आज यहाँ कैसे? ऐसे ही। ऐसे? सोचा था कोई काम मिल जाएगा। होम स्टे में नौकरी गई क्या? नौकरी गई नहीं है, लेकिन चली गई तो। ये रबर का काम मिलेगा। अच्छा, लेकिन काम कम है। वमन तुम्हारे आने से अच्छा हुआ, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। ठीक है, हाँ बाद में आऊँ क्या? हाँ चलता हूँ। बताओ। ये एक राज की बात है, मेरी बेटी एक आदमी से प्यार करती है, उस आदमी के बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए, वो मेरी इकलौती बेटी है ना? मुझे दो बेटियां हैं। खैर छोड़ो, कौन है वो? आप जानते हो उसे, पुलिस वाला एंथोनी। एंथोनी पुलिस, जानता हूँ। उनके पास काफी जमीन है, माँ बाप नहीं है, लेकिन वो एक्सीडेंट में मारे गए। 5 या 6 साल पहले जीप एक्सीडेंट में मर गए, बड़ी दुर्घटना थी। उसके रिश्तेदार तो हैं, सावधान रहना जरूरी है, लेकिन थोड़ा गर्म खोपड़ी का है। वैसे वो देवी माता कॉलेज में पढ़ा था, एमएससी केमिस्ट्री की है, वहां जो एक पुरानी कैंटीन थी ना। अरे बहुत गर्म है, वैसे एक रजिस्ट्रेशन करना है मुझे, मैं चलता हूँ, काम मैं कर दूंगा। देखो ये राज किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। अरे मुझे भी नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक है। कितने हुए? 6 रुपए। पैसे मैं दूं? नहीं नहीं, मैं दे देता हूँ। हाँ वो देंगे। हाँ 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 ठीक है, पैसे हाँ, मैं दे दूँ। ठीक है ठीक है। ये जो लिपस्टिक है, ये आपको पसंद नहीं है? हाँ नहीं पसंद है तो बोलिए। आपने पहले फोन किया था? हाँ फोन किया था। नाम क्या है? सैमसन। आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। हाँ लाया हूँ, देता हूँ। दोनों का कार्ड लगेगा? ये मेरी पत्नी है। तो मेरे सर्टिफिकेट दिखाइए। तुम्हारे पास आईडी कार्ड हाँ? है? आइए साहब जी, जाइए।
आत्महत्या करने वाली औरत की लाश चर्च के कब्रिस्तान से गायब हो गई। जेल से भागे हुए चोर लुइस को पुलिस ढूंढ रही है। जेल से फरार चोर लुइस को पुलिस ढूंढ रही है। हाँ हाँ देता हूँ सर, एक सेकंड एक सेकंड। एसपी एसपी सर से बात करो। ओ हेलो। हाँ इंद्रा। हाँ डिड यू शो दैट, देखा तुमने? हाँ देख लिया। इज इट नेक्रोफिलिया? हाँ यस नेक्रोफिलिया। नेक्रोफिलिया इज अ पैथोलॉजिकल फैसिनेशन विद डेड बॉडीज। डेड बॉडी मिस हो गई है। ठीक है, लेकिन डेड बॉडी खो जाने की वजह से नेक्रोफिलिया ऐसा नहीं कह सकते। okay, सर but... ये खो गया लेकिन उसके बाद मिला नहीं ना। नो 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 बट देयर इज चांसेस। ओके अभी तो कोई भी हो सकता है सर। ओके कैसे? नेक्रोफिलिया का एक कारण जो है वो रिजेक्शन होता है सर, और उसके अलावा भी कई कारण होते हैं। वैसे हम सब में एक छोटा साइको कैरेक्टर होता है सर। पॉसिबल है लेकिन आदमी सामने होगा तभी हिप्नोटिज्म पॉसिबल है। लेकिन सर इस एक्सपेरिमेंट के लिए मेल हो या फीमेल हो दोनों पर पॉसिबल है। ओके 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 ठीक है सर ठीक है। हाँ फोन दो। ये डेड बॉडी को ऐसा करें तो मतलब शे? मेरी बात सुनिए, आपके डिपार्टमेंट में कोई समझदार है भी? कैसी बातें करती हो तुम, मैं हूँ ना। क्या जी कॉमेडी मत कीजिए, जिस लड़की का पोस्टमार्टम हो चुका है फिर से क्यों करेंगे बताइए तो? वो कत्ल है ये शक होने से पहले। तो बॉडी से क्या मतलब है, बॉडी गायब तो नहीं हुई ना? तो फिर आपने नेक्रोफिलिया ये कैसे कंक्लूड किया? नहीं तो ये रेयर केस है जी, नेक्रोफिलिया कंक्लूड मत कीजिए, ये रेयर केस है, कहा ना 1 in a million। इसके पीछे फालतू वक्त बर्बाद मत कीजिए समझे। तुम खिलाड़ी हो बिल्कुल। ओ ये बात मैं एसपी से कहूं तो मेरा नाम हो जाएगा, सही है बोलता हूं। और चाय चाहिए? हेलो कैसे हो भाई? अरे कोई खास बात है क्या? हाँ बात कर सकते हैं क्या? मुझे एक समस्या है। समस्या? क्या समस्या है भाई? बताता हूँ, यहाँ आ जाओ। टूल्स चाहिए क्या? टूल्स वगैरह नहीं चाहिए, तुम आ जाओ। सिर्फ मैं ही आऊँ या फिर अपने लड़कों को लेकर आऊँ? नहीं तुम अकेले आओ, बहुत छोटा सा काम है। ठीक है मैं आ रहा हूँ। वामन, वामन, शे, वा, आ, तुम यहाँ हो? हैं, क्या हुआ था जी, कुछ खास बात है? अरे मैं बहुत दूर चल चल के थक गया हूँ। वो अपना वही बात है, वही एंथोनी के बारे में। वो पढ़ाई के समय प्यार में फंस गया था, ये तो सभी को होता है ना। और अपने आप को कंट्रोल ना कर पाया तो इसने एक लड़की का बेरहमी से रेप कर दिया था। इसलिए ये मानसिक बीमारी के कारण इसका इलाज भी हुआ था। और वापस ठीक हो गया और इसकी नौकरी भी मिल गई। मैंने कहा था ना कि पहले हुए एक्सीडेंट के कारण से ये सब कुछ हुआ था। तो अब क्या करें, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये आदमी कुछ टेढ़ा लगता है। नहीं ये सब ऐसा कुछ नहीं, ये सब पुरानी बातें हैं। अब तो ठीक है वो।
अब ये लड़की को पटाएगा और इस खंडहर में लेके आएगा। पक्का वो यहीं से आएगा, फिर हम और हम उसको पकड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो कब्रिस्तान का भी इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई ये खोल के दिखेगा, जब वो खुद ही अपनी कब्र खोद रहा है तो हमें क्या परेशानी है, बस तमाशा देखो। भाई उसको अंदर जाने दो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। हाँ ए, तुम हथियार मत निकालो, बस उसे फॉलो करते रहो, वो गाड़ी ले जाए तो हमें आसानी होगी। हाँ ओके भाई। वो आ रहा है भाई।
महसूस हो रहा है शीतला? तुम्हें मैं अपनी जगह पर ले आया। शीतला को बटरफ्लाई और कुत्ते बहुत पसंद हैं, लेकिन मुझे बटरफ्लाई पसंद है। शीतला, मैं तुम्हें कितने टाइम से फंसाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज मौका मिल ही गया। मुझे तुम्हारा जिंदा शरीर नहीं चाहिए, मुझे तो जान ना रहे वैसा ही बिल्कुल तुम्हारा एकदम ठंडा शरीर चाहिए, और वही मुझे पसंद है। मर गई ना। ला 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 ला, सिर्फ तुम हो। ला 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 ला, कितनी खूबसूरत हो तुम। हाँ बामन, आओ आओ आओ। मुझे पूरा यकीन था आज नहीं तो कल हम जरूर मिलेंगे। अरे नहीं, मैं आपको परेशान करने नहीं आया। तो तुम इस लड़की की लाश देखने आए हो? नहीं। तो आप गाना गा के उस लड़की को सुला रहे थे, उसकी आवाज सुन के आ गया। हाँ, झूठ झूठ झूठ, तुम कोई प्लान बना के आए हो? कोई प्लान नहीं बनाया सर, बस मुझे एक हिस्सा दे दीजिए। ये तो सबके अंदर की चाहत होती है। आ जा मेरे पास आके बैठ, यहाँ सामने। पर मेरी एक कंडीशन है सर। कंडीशन? मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। वमन भाग्य क्या है, ये हमारे माथे पर नहीं लिखा होता है, समझे तुम? अच्छी बात है, हाथ मिलाओ। लेट हो रहा है। अरे तुम टेंशन मत लो बेटी। सुनिए, आते समय बांगड़ा मच्छी लेके आना, बहुत दिन हो गया खाया नहीं। और दूसरी कोई मिले तो नहीं लाऊं क्या? अरे बांगड़ा मछली टेस्टी लगती है जी। माँ को मछली बहुत पसंद है। ठीक है, ले आऊंगा। बाय बाय। अरे मछली लाना मत भूलना। भाई माइकल, गांव जाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ भाई, अब तो 3 दिन हो गए हैं ना भाई, पुलिस आएगी क्या? पुलिस नहीं आएगी। मेरे भी मन में एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है भाई? आपने एंथनी को लॉक कैसे किया? अभी सस्पेंस खत्म मत करिए भाई, मैं आपसे कुछ भी सवाल करता हूँ तो बाद में बताता हूँ कहते हो।
महाबली को वामन ने कैसे मारा था जानते हो? नहीं, एक पैर से। पैर से नहीं तो दिमाग से। आओ। ओहो, तो आपने दिमाग से मारा था। वामन शुरू करो। तो शुरू करूं? तो शुरू करता हूँ। तो शुरू करो। ये गाउन किस लिए है? ये मेरी प्रेमिका की है। उसे मारने के बाद, बॉडी को कब्र में बंद करने के बाद, फिर मैंने कब्र से ये घोड़ बाहर निकाला था। मेरा एक पार्टनर भी था, गैपियर जोस। लेकिन मुझे तो जिंदा चाहिए। गैपियर जोस भी मुझसे बात बोल रहा था। शुरू करो। और अभी अपने पास वक्त नहीं है, सुबह होने से पहले कब्र में लेके जाना है। अरे ये तो मर गई। हाँ मर गई, डोज लगता है ज्यादा हो गया है। तुम पागल हो वमन, तुम्हें लगा मैंने तुम पर भरोसा कर लिया है। जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से मैं तुम्हारे आगे पीछे नजर रख रहा हूँ वमन, लेकिन तुम मुझे नए पुराने सारे केस सब तुम्हारे नाम से ठोक दूंगा, फिर तुम जेल से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। और फिर एक सबसे अच्छा मौका देखकर मैं तुम्हारी बेटी को भी यहाँ लाऊंगा। दुष्ट पापी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा तूने? गाड़ी रोको। तुम हमें जानती हो? तुम गहरी नींद में थी और ढलान के पास हमें इसी हालत में मिली थी।
हाँ, कोई बात नहीं, तुम जैसी लड़कियों को बहुत सावधानी से रहना चाहिए। अगर कोई हंसकर बात करे तो उस पर भरोसा आसानी से नहीं करना चाहिए, और खूबसूरत लड़कियों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप के कई सपने होंगे, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उन सपनों का क्या होगा? वो सब तो टूट जाएंगे ना, है कि नहीं? ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आगे से माँ बाप की बात मानना और खुशी से जीवन बिताना। ठीक है, हाँ चलो गाड़ी बढ़ा। ये क्या कर रहे हो भाई? ये तो सर्विस है, सोशल सर्विस। वैसे आपने कमाल कर दिया भाई, अगली बार मुझे भी बुलाना। हाँ दोस्त, अगली बार मुझे बुलाना भूल मत जाना, मैं आऊंगा। नहीं, सर्विस भी फ्री। जाओ जाओ। अब आपको हमसे पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी एंथोनी साहब। ये सीधा साधा वामन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये गलतफहमी तो आपकी मिट गई होगी। और इस तरह वामन ने अपना बदला लिया। जैसे राजा बलि का अंत हुआ था, एंथोनी का वैसा ही अंत हुआ। वामन, नमस्ते। हाँ आओ साजी। दूसरा संभव नहीं होगा। इस एंथनी का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओ आदमी बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ। एक काम करो, कोई दूसरा लड़का ढूंढ लो तुम।
अच्छा देखो मैं सोच कर बताता हूँ। और वो जगह खरीदने के लिए एक गुल्फ पार्टी अभी आई है, बेच दें? सुनो साजी, तुम उस जगह के बारे में भूल जाओ तो बेहतर होगा। देखो वहाँ पर भूत हैं और खून भी बह रहा है वहाँ पर। बहता है तो बहने दो। खून बह रहा है बोल रहा हूँ तो मान नहीं रहा है, अहंकार बढ़ गया है लगता है। नहीं नहीं आऊंगा आऊंगा। अच्छा सुनो, कल छुट्टी है, कल मिलने पक्का आऊंगा। जाओ।